हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सुनीता एक पेपर शीट को 3 पीसेस में कट करते हैं। फर्स्ट पीस की लेंथ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स की एवरेज के इक्वल है। सेकंड पीस की लेंथ फर्स्ट और थर्ड के 1/3 के सम के इक्वल है। थर्ड पीस की लेंथ 2 अदर पीसेस के सम के इक्वल है। अब इसके लिए हमें ओरिजिनल शीट की लेंथ फाइंड करना है, जिसके लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पीस की लेंथ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स के एवरेज के इक्वल है। इसके लिए हम फर्स्ट शीट की लेंथ L1 सपोज कर रहे हैं, जो 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स के एवरेज के इक्वल है। इसलिए L1 की लेंथ 5 यूनिट्स हो जाएगी। सेकेंड फर्स्ट प्लस थर्ड के 1/3 के इक्वल है। L1 5 यूनिट्स ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, इसलिए अब इसे इसमें पुट कर सकते हैं। इस तरह L2 एंड L3 में ये रिलेशन फॉर्म हो रहा है। थर्ड की लेंथ अदर 2 के सम के इक्वल है। अब इसमें भी L1 की वैल्यू 5 यूनिट्स पुट करते हैं। अब इसे इक्वेशन 1 एंड इसे 2 सपोज करते हैं और 1-2 करके L2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। L2 10 यूनिट्स आ रहा है। अब इसमें L2 की वैल्यू 10 पुट करेंगे तब L3 भी फाइंड हो जाएगा। अब ओरिजिनल पेपर शीट की लेंथ फाइंड करने के लिए इन तीनों लेंथ को ऐड करना होगा। पेपर शीट की ओरिजिनल लेंथ 30 यूनिट्स आ रही है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।